बेटे हम लोगों का जो एक सीरीज स्टार्ट की है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो उसको हम रिकॉल करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के अंदर पहले जो दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे लॉन्ग, उनको जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके बाद थर्ड एंड लास्ट जो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम लोगों के पास है, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट। सो मैंने यहाँ पर लिखा है जी प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। बेटे प्रोटेक्शन बचाना, कंजर्व करवाना, तहफ्फुज़ देना, हमने अपने एनवायरमेंट को बचाना है। सो एनवायरमेंट को हम किस तरह बचा सकते हैं? सो कंजर्व करवाना, हम लोगों ने अपने एनवायरमेंट को बचाना है। सो एनवायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं और एनवायरमेंट को बचाने की जरूरत क्यों पड़ी है? तो दैट इज द क्वेश्चन कि हमें जो है वो नीड क्यों है एनवायरमेंट को बचाने की। तो यहाँ पर बेटा मैंने एक वर्ड लिखा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि जिस तरह हम लोगों की पॉपुलेशन आबादी बढ़ी है, हमने जो है वो इंडस्ट्रीज लगाई अपनी फूड डिमांड को पूरा करने के लिए या अपनी जरूरियाती जिंदगी को पूरा करने के लिए हमें इंडस्ट्रीज की जरूरत पड़ी। अब चूंकि इंडस्ट्रीज जो है वो हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से हमें खुराक और हमें जिगर पूरा कर रही है, बट उसके साथ में नुकसान भी पहुंच रहा है। वो किस तरह पहुंच रहा है? फॉर एग्जाम्पल पहले नंबर पर हमने लिखा जी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब फैक्ट्रीज का बनना जिसमें हम लोगों के पास फूड इंडस्ट्रीज है, जिसमें हम लोगों के पास जो है वो इंजाइम्स जो है वो डिफरेंट प्रोटीन इस्तेमाल रहे हैं। इसके अलावा जो है वो डिफरेंट जो है वो टेम्परेज इंडस्ट्रीज हैं, फूड एंड बेवरेजेज इंडस्ट्रीज हैं। बट उन से निकलने वाला जो कचरा है, जो वेस्ट है, वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। किस तरह नुकसान कर रहा है? हमने ये चीजें प्लांट की हैं, इंडस्ट्रीज बनाई हैं, उसकी इर्द गिर्द वाला एनवायरमेंट खराब हो रहा है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज डैमेज्ड आवर एनवायरमेंट। इंडस्ट्री से बहने वाला जो मादा जात है वो गैसेस की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और वो हम लोगों के पास जो है वो सिंपली ये भी कह सकते हैं सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो इन्फ्लुएंस तीन तरह के हो सकते हैं। इन्फ्लुएंस तीन कौन कौन सी टाइप के हो सकते हैं? फर्स्ट फॉर्म इज आपके पास सॉलिड फॉर्म, सेकेंड जो फॉर्म है वो हम लोगों के पास आते हैं लिक्विड फॉर्म, एंड थर्ड जो टाइप है वो हम लोगों के पास हो सकती है गैस फॉर्म। ठीक है जी, तो ये तीन है हम लोगों के पास बेसिक टाइप्स है इन्फ्लुएंस की। हमने कहा इन्फ्लुएंस इंडस्ट्री से जो निकलने वाला वेस्ट है दैट इज नोन एज इन्फ्लुएंस, को हमें नुकसान पहुंचा रहा है, वो किन तीन डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है, वो मैंने तीनों फॉर्म जो है वो लिख दी है। इस टॉपिक के अंदर आप लोगों के लिए जो है कुछ हेडिंग्स बनाऊंगी, उसके अकॉर्डिंगली आपने इस टॉपिक को क्या कर लेना है। तो पहली हेडिंग बनती है कि इस इन्फ्लुएंस का या इन वेस्ट का हम लोग के एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट है। सो इफेक्ट ऑफ दीज इन्फ्लुएंस, इफेक्ट क्या है? बट इफेक्ट में सबसे पहली चीज है इन्फ्लुएंस में इन वेस्ट मटेरियल के अंदर जो है कुछ इस तरह के एजेंट्स मौजूद होते हैं दैट आर टॉक्सिक। सो टॉक्सिक एजेंट मौजूद हैं जो कैंसर कॉजिंग भी हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल हम कहें जी कि आपके पास जो है वो किसी भी चमड़ा बनने वाली जो इंडस्ट्री के अंदर टैंपिस बोलते हैं उससे निकलने वाला धुआं, चिमनी से निकलने वाला धुआं, इसी तरह जो है वो हम लोगों के पास जहाँ पे फूड प्रोसेस हो रही है वहां से निकलने वाला मवाद, उसको कुछ इस तरह की चीजें मौजूद होती है जो कैंसर कॉजिंग है। सो दे हैव टॉक्सिक एजेंट्स।
डेटा कैसे पॉसिबल है, वो काफी भी जनरेट होते हैं। अब नेक्स्ट जो है, मैं इन्फ्लुएंस की बटे डिफरेंट टाइप्स देखती हूँ कि इन्फ्लुएंस कौन कौन से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल्स चलने वाला जो वेस्ट है उसमें, फॉर एग्जांपल हम लेड की बात कर लेते हैं, इसी तरह ये जो मैंने चमड़ा की इंडस्ट्रीज का जिक्र किया है, इससे निकलने वाला जो क्रोमियम है दैट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस एंड दैट इज ऑल्सो हैज टॉक्सिक एजेंट्स। जो है वो एक शॉप है बायोलॉजी की जिसमें चीज होने का
उसमें जो है वो किसी जगह पर से हैवी मेटल्स खत्म करने के लिए हम प्लांट्स को वहाँ पे लगाते हैं और प्लांट स्पेसिफिकली उस जगह से हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दी गई है कि एलजी को हम लोग यूज करते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे उनको हमने आज के लेक्चर में जो है वो कंप्लीट कर लिया है। किस तरह है
याद करें, इंशाल्लाह आपके नंबर चलते आ रहे हैं।